पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। परिस्थिति जो भी है, इस देश के लाखों करोड़ों युवा भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के अलावे और कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्प को हर किसी को जो बीजेपी को हराना चाहता है उसको चुनना चाहिए। अगर एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ही होगी, और उसमें जो लोग बार बार ये अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर है लेकिन वो इंटरनल नहीं है, वो इतना बाहर नहीं है। कन्हैया, पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली है, अब आगे का रास्ता क्या होगा? सबसे पहले आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत और आपको धन्यवाद कि आप बात करने के लिए आए। देखिए, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आपने भी पढ़ा होगा, एक कविता की लाइन है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। परिस्थिति जो भी है, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, इस देश के भीतर जो संकट है आज में कि हम संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, देश के जो लाखों नौजवान हैं उसकी बेरोजगारी का हल कैसे होगा, किसान कई महीनों से जो है कृषि जो बिल है उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो ये जो जनता के वाजिब सवाल हैं उस पर हम संघर्ष कैसे करेंगे। रास्ता जो भी हो, उतार चढ़ाव, कंकर पत्थर जो भी हो, उसमें चलेंगे और देखेंगे। लेकिन चलेंगे कैसे, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अब ये धारणा बन गई है कि कांग्रेस जो है वो ऑनलाइन कैंपेन और वर्चुअल एजिटेशन करती ज़्यादा है, सड़क पे कम नज़र आती है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आप लोग के लिए, आप लोग यूथ, नया ब्लड, यंग ब्लड इसमें जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, ज़िंदगी को ना हमको कई बार जो है हमारे आसपास जो घट रही घटनाएं होती हैं ना, उससे बियॉन्ड भी समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे चांद क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता है और एक जगह जाके रुक जाता है, फिर वो घटते घटते घटता है, ये हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअली चांद जैसा है वैसा ही है, ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। कई बार जो वास्तविकता होती है ना, वो अलग तरह से नज़र आती है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के सामने चाहे जितनी भी चुनौती हो, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा विपक्ष है, सबसे ज़्यादा उसके जो है सदस्य हैं, और चाहे कोई कुछ भी कह ले, कांग्रेस अपने आप में महज एक राजनीतिक दल नहीं है, आधुनिक राजनीति में लोकतंत्र का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। कांग्रेस जो है वो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक का इतिहास है, उस इतिहास को प्रदर्शित करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का अस्तित्व में होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जब पंत प्रधान कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, मतलब आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं, तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र कैसे होगा? मतलब एक पार्टी होगी, एक नेता होंगे, क्योंकि यहाँ से लोग निकल करके वहाँ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का होना लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो धारणा है ना, धारणा बनती बिगड़ती रहती है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, वैसे तो हम भी देख रहे हैं, और इस देश के लाखों करोड़ों युवा भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के अलावे और कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्प को हर किसी को जो बीजेपी को हराना चाहता है उसको चुनना चाहिए। आप पार्टी में आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो जो यहाँ के जो ओल्ड टाइमर्स हैं उनको तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों ने ट्वीट करके जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया उस दिन भी तंज भी कसा कि बदलाव होते रहते हैं, इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं G23 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, शायद उनको आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नागवार गुजरी है। देखिए, ये आप शायद बाहर से देख रहे हों, मुझे तो आए हुए अभी 2 दिन हुआ है। कल मैं ऑफिस आया था, लोग जो है सभी स्तर के, चाहे नेता हों या कर्मचारी हों, जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे यहीं था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम चीज़ों को संकीर्णता में देखने लगती हैं तो चीज़ें हमको संपूर्णता में नजर नहीं आती है। संकीर्णता में कौन देख रहा है? संकीर्णता में G23 ये कह रहा है कि पार्टी जो है रडरलेस है, लीडरलेस है, प्रेसिडेंट नहीं है, चुनाव होना चाहिए, CWC का इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, परिवार में जो है एक सदस्य को दूसरे सदस्य से शिकायत हो सकती है, हमारे ऑफिस के टाइम पे ही जग जाता है, बाथरूम खाली नहीं मिलता है, होता है। इससे कोई ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि इस देश की राजनीतिक धारा बदल रही है। अगर एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ही होगी, और उसमें जो लोग बार बार ये अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर है लेकिन वो इंटरनल नहीं है, वो इतना बाहर नहीं है। तो ये अंतर जो है कोई गडकरी जी और मोदी जी में काहे नहीं निकाल रहा है। गडकरी जी जब तारीफ कर रहे हैं नेहरू जी का, तब जो है कोई ये अंतर क्यों नहीं निकाल रहा है? ये अंतर कोई शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह के बीच में क्यों नहीं निकाल रहा है?
देखिए यही है कि सच हम दिखाते हैं लेकिन सच हम छुपाते हैं। तो सच अगर हम पूरा दिखाएंगे तो मैं एक सच देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बताइए कि लोकतंत्र में अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं होगी, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पे, वो कांग्रेस से जो है नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है? आप जो छोड़ के गए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उनकी राजनीतिक इच्छा है। इस देश में मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश की लोकतांत्रिक खासियत ये है कि एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आंगनबाड़ी का बच्चा उससे सवाल पूछ सकता है, ये परंपरा कायम रहे। 2024 की तैयारी चल रही है, एक तरफ राहुल गांधी हैं वो अपनी टीम बना रहे हैं, आप जैसे युवा लोगों को लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पेशबंदी कर रही हैं, उनके लोग कह रहे हैं बंगाल में हरा दिया इसलिए मोदी को वही चुनौती दे सकती हैं। कौन चुनौती दे सकता है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? देखिए ये जो आप टीम बनाने वाली बात कर रहे हैं ना, इस ये प्रॉब्लमेटिक है। ये AICC में आप खड़े हैं, BCCI में नहीं खड़े हैं, टीम नहीं बना रहे हैं। हर कोई चाहता है, हर पार्टी का नेता चाहता है कि उसकी पार्टी मजबूत हो, और अपनी पार्टी को मजबूती देने में क्या बुराई है, और ये मजबूती तो देश और समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी टक्कर दे पाएंगे कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं? कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, जनता जिसको स्वीकार करेगी वो टक्कर देंगे।